स्क्वायर रूट मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ रखा है 21316, इतना बड़ा स्क्वायर रूट देख के ही पहले तो हमें लग जाता है कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप इसे ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आपको इसकी पीछे की दो डिजिट निकाल लेनी है 16। 16 में से भी हमें सिर्फ ज़रूरत है लास्ट वाले नंबर की, यानी कि 6। आपको 6 में चेक करना है कि 1 से लेके 9 तक कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिसके अंदर हमें स्क्वायर करने से 6 मिलते हैं। यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिलेगा, यानी उसमें भी लास्ट वाला नंबर 6 है। 4 का स्क्वायर करेंगे फिर भी हमें 16 मिलेगा, उसमें भी लास्ट वाला नंबर 6 है। तो आपको टोटल दो ही वैल्यू मिलने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। अब इसे यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखना है आपको आगे वाली डिजिट्स क्या दे रखी है। तो देखिए आगे हमें 213 दे रखा था। 213 में आपको उसका सबसे करीब वाला छोटा स्क्वायर ढूंढना है, यानी मिलेगा हमें 14 का स्क्वायर 196। 14 को आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर में पुट कर देना है। अब सिर्फ कंफ्यूजन इस बात की है कि 6 आएगा या 4। तो आपको ये जो 14 आया उसको उसके बाद में आने वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करा देना है, यानी उसका आंसर बन जाएगा 210। अब आपको इस 210 को इस 213 वाले हमारे क्वेश्चन से कंपेयर कराना है कि हमारा क्वेश्चन छोटा है उसे या बड़ा। हमारा क्वेश्चन देखिए 210 से बड़ा है, इसीलिए हम इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू पिक करेंगे, यानी कि 6। 6 को रख दीजिए यहाँ पे आंसर में और मिल गया हमें 146। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।